वेलकम गर्ल्स, मैं शिवानी, मैं पूजा। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं बर्गर वर्सेस बड़ा पाव ईटिंग चैलेंज। सो गाइस, देख सकते हैं हमारी थाली कितनी भरी हुई है। गाइस, मेरे पास दो तरह के बर्गर हैं और ये चीजी तंदूरी फ्राइज है। देख सकते हैं कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। गाइस, मुझे इसमें से तंदूरी चीजी वाली खुशबू आ रही है, मन कर रहा है बस जल्दी से खा जाओ। और गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने क्या लिया है। मैंने लिए हैं दो तरह के वड़ा पाव और ये है मेरे स्वीट पोटैटो फ्राइज। आप देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं और साथ में है ये हरी मिर्च और मसाला। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पहले हम करेंगे ये डिलीशियस सा चैलेंज एंड उसके बाद होगी पनिशमेंट। वो पनिशमेंट आज हम दोनों में से कौन करने वाला है ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, अब हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। बहुत ज्यादा टेस्टी थे और फ्राइज तो कुछ चीज का तो कुछ जवाब
खराब ही नहीं था, बहुत ज्यादा टेस्टी था। और गाइस जैसे कि मैंने अपने वड़ा पाव लिए थे, एक वड़ा पाव में बहुत ज्यादा क्रीम थी और एक में मसाला था, वो दोनों इतने ज्यादा टेस्टी थे ना। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि ये स्वीट पोटैटो थोड़े से गले में अटक जाते हैं क्योंकि ये बहुत सूखे होते हैं, बट आप देख सकते हो मेरी थाली में कुछ बचा है तो ये दोनों बचे और ये खूब सारी मिर्ची बची है जो कि मैं नहीं खाती हूँ। मतलब मेरा फूड चैलेंज भी डिलीशियस था और मैं जीत भी गई और ऊपर से मुझे पनिशमेंट देनी भी है, वो भी पूजा को। सो गाइस पनिशमेंट की तरफ चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है और मैं क्या पनिशमेंट लेके आई हूँ पूजा के लिए, आइस क्यूब्स एंड ये टेप। तुम क्या करने वाली हो इन दोनों से? सो गाइस जैसे मैं पूजा के साथ कर रही हूँ ना, आप देखते जाना आपको पता चल जाएगा पनिशमेंट है क्या। हाँ तो पूजा अपना मुंह खोलो। एक दो चल जाएंगे। सो गाइस मैंने इसके मुंह में आइस क्यूब डाल दिए है और ये भी टेप। अब मैं इसके मुंह को बंद करने वाली हूँ। मुझे कैसा लग रहा है कि तुम्हारे मुंह पे टेप चिपक रही है इतनी बड़ी बड़ी? नहीं बोल लो पूजा, कोई नहीं बोलने से रोका नहीं हुआ है पूजा। कितना ठंडा लग रहा है अंदर से। गाइस ठंडा ठंडी आइस क्यूब मुंह में रहती है ना तो फिर तो दिक्कत ही होती है, मतलब अंदर मुंह में है और मैंने इसका मुंह बंद कर दिया है और ये उस आइस क्यूब को निकाल नहीं पा रही और अंदर भी नहीं ले पा रही। सोचो क्या कंडीशन होगी इसकी। यार मैं भी देख रही हूँ कि इसके मुंह में कैसे वो टिक गए, बड़े बड़े दो पीस हैं आइस क्यूब के और इसका इतना छोटा सा मुंह है। पूजा पूजा वो पिघल जाएंगे, थोड़ा वेट करो। हाँ हाँ नहीं, और ऐसा लग रहा है कि उसका टेम्परेचर उतना ही मिल चुका है वहीं पे कि वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है। Yes, you can do it. मुझे आंखें तो खोलो, मुझे होश में तो आओ, ऐसा लग रहा है खड़े खड़े बेहोश हो गई हो। वैसे वो मुंह में पिघल नहीं रहा, बहुत देर हो गई। अभी भी है क्या? कौन कितना 1.5 छोटा सा है तो बोल के नहीं रही हो। अच्छा टेप भी तो लगी है। सो गाइस पूजा की आइस क्यूब खत्म हो चुकी है, बट गाइस मेरे मुंह की बैंड बच चुकी है। यू नो मैं जब भी हम कुछ खाते हैं बर्फीला तो बहुत ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं और मैंने वो बहुत देर तक, मतलब बहुत देर किया, जब तक पिघल नहीं गया तब तक रखा है मुंह में। डोंट वरी शिवानी, इसका रिवेंज लिया जाएगा तुमसे एंड 100% मैं तुमसे लूंगी इसका रिवेंज। कोई नहीं पूजा ले लेना क्योंकि मेरे दिमाग में अभी से आ गया क्या करना है। अभी तो मुझे खुशी है कि मैंने पूजा को पनिशमेंट दी, मुझे नहीं आगे की नहीं पता मेरे को। सो गाइस आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।